ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। गुजरात विच पहले गेड़ दियां विधानसभा चोणां लई प्रचार तेज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज चार चोण रैलियां नूं संबोधन करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज नवी दिल्ली च अपने फ्रांस ते हम औदा नाल चौथे भारत फ्रांस सलाना रक्षा संवाद दी सह प्रधानगी करनगे। चीन विच राष्ट्रपति शी जिनफिंग दी जीरो कोविड नीति खिलाफ वड्डे विरोध मुजाहरे हो रहे ने। तरवंजवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अज शाम गोवा च खत्म होने जा रहा है। फीफा फुटबाल विश्व कप 2022 च क्रोएशिया ने कैनेडा नूं हरा दिता जबकि स्पेन ते जर्मनी दरमियान मुकाबला बराबरी ते रहा है। गुजरात विच हुण जदकि विधानसभा चोणां दे पहले गेड़ लई सिर्फ दो दिन बाकी रह गए ने तां चोण प्रचार सिखर ते है। सियासी पार्टियां वोटरां नूं लुभाउण च कोई कसर बाकी नहीं छड्ड रहियां। सीनियर बीजेपी नेता ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज पालीटाणा अंजार जामनगर अते राजकोट विच चार चोण रैलियां करन दा प्रोग्राम है। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी उम्मीदवारां दे हक विच अज चार थावां ते चोण मीटिंगां नूं संबोधन करनगे। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे अहमदाबाद विच अज एक प्रेस कांफ्रेंस नूं संबोधन करनगे। उन्हां वल्लों महसाणा ते अहमदाबाद विच चोण रैलियां नूं संबोधन करन दा भी प्रोग्राम है। सीनियर पार्टी नेता अते राजस्थान दे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पार्टी लई प्रचार करनगे। आम आदमी पार्टी दे सीनियर नेता भी पार्टी उम्मीदवारां लई जनतक मीटिंगां नूं संबोधन करनगे। देश विच पहली वार वोटां पैण दी गिणती वधाउण लई राज दे जूनागढ़ जिले विच सेहत बूथ अते जानवर बूथ कायम कीते गए ने। इस वार प्रशासन 80% तों वध वोटिंग यकीनी बनाउण लई कोशिश कर रहा है। जूनागढ़ दे कलैक्टर अते जिला चोण अधिकारी राजित राज ने आकाशवाणी दे पत्र प्रेरक नूं दस्सिया कि अजिहे इक बूथ जिले दे पांच हल्कियां च कायम कीते गए ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज नवी दिल्ली च फ्रांस दे हथियारबंद फौजां दे मंत्री सेबेस्टियन ले कॉर्नेओ नाल अज नवी दिल्ली च चौथे भारत फ्रांस सलाना संवाद दी सह प्रधानगी करनगे। श्री ले कॉर्नेओ भारत दे दो दिना दौरे ते ने। सलाना रक्षा संवाद दे हिस्से वजों दोवे मंत्री कारवाई नाल जुड़े रक्षा संबंध दहशतगर्दी दे मुकाबले भारत प्रशांत खिते च समुद्री सुरक्षा ते भारत दी आत्म निर्भर भारत नीति मुताबिक सनती ते टेक्नोलॉजिकल भाईवालियां समेत व्यापक गलबात करनगे। श्री सेबेस्टियन ले कॉर्नेओ दा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर नाल भी मिलण अते यूरोप ते भारत प्रशांत खिते च स्थिति समेत चिंता दे सांझे आलमी मुद्दयां ते विचार वटांदरा करन दा प्रोग्राम है। दौरे ते आउण वाले मंत्री खेतरी सुरक्षा मुद्दयां ते सलाह मशवरे ते दहशतगर्दी ते मुकाबले च साडे नजदीकी सहयोग ते विचार वटांदरा करन लई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल नूं भी मिलणगे। श्री ले कॉर्नेओ दिल्ली च राष्ट्रीय जंगी यादगार विखे भी जाणगे ते फर्ज निभाउंदे अपने जाना वारन वाले भारतीय फौजियां नूं श्रद्धांजलि भेंट करनगे। फ्रांस दे हथियारबंद फौजां बारे मंत्री दी अगवाई विच इक उच्च पदरी डेलीगेशन ने कल देश विच ही तैयार हवाई जहाज वाहक आईएनएस विक्रांत दा दौरा कीता। डेलीगेशन ने हवाई जहाज वाहक उपर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सदर नेवल कमांड वाइस एडमिरल एमए हम्पी होली नाल गलबात कीती। विचार वटांदरे विच भारत प्रशांत खेतर विच समुंदर संबंधी चुनौतियां ते आपसी हित दे खेतरा विच सहयोग वधाउण बारे विचार वटांदरा कीता गया। फ्रांस दे मंत्री ने भारत दी देश विचली समर्थ अते स्वै निर्भरता दी तारीफ कीती। कपड़ा मंत्रालय अज नवी दिल्ली च साल 2017-18 ते 19 लई बेहतरीन दस्तकारा नूं शिल्प गुरु अते राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस अवार्ड समारोह च मुख मेहमान होणगे। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल इस समारोह दी प्रधानगी करनगे। दस्तकारी लई विकास कमिश्नर दे दफ्तर वल्लों साल 1965 तों बेहतरीन दस्तकारा लई राष्ट्रीय अवार्ड स्कीम शुरू कीती गई ए। शिल्प गुरु अवार्ड 2002 च शुरू कीते गए सन। ए अवार्ड हर साल बेहतरीन दस्तकारा नूं देश दी अमीर ते वनस्वंता भरी दस्तकारी विरासत दी संभाल च योगदान पाउण लई प्रदान कीता जांदा ए। ए अवार्ड प्राप्त करन वाले देश दे तकरीबन सारे राज्यां ते केंद्र प्रबंधित प्रदेशां अते नाल ही वख वख थावां दी दस्तकारी शैलियां दी नुमाइंदगी करदे ने। महामारी कारण पिछले 3 सालां दे अवार्ड इकट्ठे दिते जा रहे ने।
एक खबरा तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। चीन विच शंघाई विच बीती रात सैकड़े मुजाहराकारां ते पुलिस दरमियान झड़पां हुईयां ने अते मुजाहरे सख्त कोविड पाबंदियां अते उरुमकी विच अग लगण दे मद्देनजर कई शहरां तक फैल गए ने। सैकड़े नौजवान पेचिंग विच चाओयांग जिले विच इकट्ठे होए जिथे कि सारे सफारतखाने स्थित ने अते उन्हां मुजाहरे च हिस्सा लिया। चीन दे अंदरूनी इलाकियां विच सिविल नाफरमानी दी लहर उदों तों काफी ज्यादा ए जदों तों राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दहाके पहला सत्ता संभाली सी अते ए निराशा उना दे महामारी नू लैके लगभग 3 साल पहला तो जीरो कोविड नीति दे ते उना दे दस्तखत करन नू लैके काफी ज्यादा फैली। मुजाहराकारा ने वुहान अते चेंगदू च शहरां दियां गलियां च मुजाहरे कीते जदकि कई यूनिवर्सिटियां दे विद्यार्थियां ने हफ्ते दे अखीर ते मुजाहरे कीते। उरुमकी दे 40 लाख वसनीक देश दे सब तो लम्बे लॉकडाउन हेठ ने अते 100 दिनां तक उन्हां नूं अपने घरों बाहर नहीं निकलन दिता गया है। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफी अज गोवा च खत्म हो रहा है। समाप्ति समारोह शाम नूं पणजी नेड़े डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम विखे होगा। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना ते प्रसारण राज मंत्री डॉ एल मुरुगन अते गोवा दे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस मौके हाजिर रहेंगे। कई फिल्मी शख्सियतां दी समारोह दी शान वधाउणगियां। समाप्ति समारोह विखे तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी नूं साल दी भारतीय फिल्मी शख्सियत अवार्ड 2022 नाल सम्मानित कीता जाएगा। निर्देशक क्रिस्टोफ दी जानोसी दी पोलिश फिल्म परफेक्ट नंबर इस साल दे इफी दी प्रदर्शित होने वाली आखिरी फिल्म है। समाप्ति समारोह विखे बेहतरीन फिल्म, बेहतरीन निर्देशक, बेहतरीन अदाकार मर्द ते औरत अते विशेष ज्यूरी अवार्ड समेत कई अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। भारतीय फौज ते आस्ट्रेलिया दी फौज दरमियान आज तो 11 दिसंबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान विखे दवलिया सिखलाई मशका ऑस्ट्रा हिंद 2022 होणगियां। ए दोहां फौजां तो हथियारबंद ते सर्विसिज दस्तियां दी हिस्सेदारी नाल ऑस्ट्रा हिंद दियां पहलियां मशका ने। नवी दिल्ली च प्रगति मैदान विखे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले विखे खादी इंडिया पवेलियन ने 12 करोड़ तो वध दी रिकॉर्ड विक्री दर्ज कीती है। खादी दस्तकारां, उद्यमियां ते छोटे सनअतां दे नुमाइंदियां ने अपने उत्पादां दा विखाला कीता। महात्मा गांधी अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला सेल्फी प्वाइंट भी इत्थे आउण वालियां लई आकर्षण दा केंद्र रहा। भारत दे प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा दा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन आईओए दे पहली औरत प्रधान बनना तय, क्योंकि 10 दिसंबर दी चोण लई इस चोटी दे ओहदे लई ओ इकल्ले ही उम्मीदवार वजों उभरे ने। 58 साला उषा ने कई ओहदियां लई अपनी टीम तो 14 होरना दे नाल कल इस चोटी दे ओहदे लई अपनी नामजदगी दाखिल कीती। आईओए दी चोण लई नामजदगी दाखिल करन दा कल आखिरी दिन सी। उषा आईओए दे मुखी वजों इस दे 95 साला इतिहास विच पहले ओलंपियन अते पहली अंतर्राष्ट्रीय तमगा जेतू बन जाणगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया दे अजय पटेल सीनियर वाइस प्रधान होणगे, क्योंकि ओ वी इस ओहदे लई इको इक उम्मीदवार ने। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 च बीती रात कतर च दोहा विखे खलीफा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम विखे क्रोएशिया ने कैनेडा नूं 4-1 नाल हरा दिता है। अल खौर च अल बायद स्टेडियम विखे ग्रुप ई दे मैच विच स्पेन ते जर्मनी दरमियान मुकाबला 1-1 नाल बराबरी नाल रहा। अज कैमरून दा सर्बिया नाल, दक्षिणी कोरिया दा घाना नाल अते ब्राजील दा स्विट्जरलैंड नाल मुकाबला होगा। गुजरात विच पहले गेड़ दियां विधानसभा चोणां लई प्रचार तेज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज 4 चोण रैलियां नूं संबोधन करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज नवी दिल्ली च अपने फ्रांस दे हमौदा नाल चौथे भारत फ्रांस सालाना रक्षा संवाद दी सह प्रधानगी करनगे। चीन च राष्ट्रपति शी जिनपिंग दी जीरो कोविड नीति खिलाफ वड्डे विरोध मुजाहरे हो रहे ने। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अज शाम गोवा च खत्म होने जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 च क्रोएशिया ने कैनेडा नूं हरा दिता है। स्पेन ते जर्मनी दरमियान मुकाबला बराबरी ते रहा है। इसे नाल आकाशवाणी तो खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।